यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला आइए आज का मिस्सा बलिदान शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया ईश्वरीय दया का त्यौहार मनाती है और कलीसिया जब इस त्यौहार को मनाती है तो हरेक विश्वासियों को ईश्वर के प्रेम और दया पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर संसार को सिर्फ प्यार नहीं करता बल्कि ईश्वर संसार को दया करता है और डूबते हुए संसार को, अंधकार में संसार में भटकते हुए मनुष्यों को, पाप के गर्त में गिरे हुए मनुष्यों को उठाने के लिए ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को भेजते हैं, जिसके बारे में यूहन्न लिखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यूहन्न आगे भी बताते हैं, यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 1:14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर मनुष्यों के बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। जी हाँ, इन सारी घटना ईश्वर के प्रेम और दया को दर्शाती है। यदि हम संपूर्ण बाइबल को देखेंगे तो संपूर्ण बाइबल में ईश्वर के प्रेम और दया का झलक हमें दिखाई पड़ता है। सबसे सुंदर घटना हम इज़राइली जनता के बारे में पढ़ते हैं। इज़राइली जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजा और जनता रही। इतना होने के बावजूद भी इज़राइली जनता ईश्वर से भटक जाते हैं, ईश्वरीय मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन ईश्वर उनके पीछे पीछे जाते हैं और अपनी जनता को पुनः वापस लेके आते हैं और ये ईश्वर के प्रेम को और ईश्वर के दया को दर्शाता है। मुक्ति का इतिहास को यदि हम मनन चिंतन करेंगे तो हम सिर्फ ईश्वर को ही नहीं पाएंगे कि वो संसार को प्यार करता है, संसार पर दया करता है, लेकिन यीशु मसीह भी अपने पिता की तरह संसार को प्यार करता है और अपनी जनता को और उनकी दया करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने शरीर को तोड़ा और अपने शरीर से अपने लहू को बहाया, जिसके बारे में हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 22:14 में पढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे यीशु और अपने शिष्यों के बारे में दर्शाया गया है, अर्थात अंतिम ब्यालू के बारे में। यीशु ने अपने हाथों में रोटी लिया, स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ा, इसके बाद में रोटी को तोड़ते हैं और शिष्यों को देते हैं, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है,
इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह का यह कार्य प्रेम और दया का चिन्ह है। आज जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं तो कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह हमसे यही आह्वान करते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम में बढ़े, ईश्वर के दया और अनुकंपा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और कहा जाता है कि जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम ईश्वर की तरह यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यीशु जो प्रेमी है, यीशु जो दयालु है, यीशु जो करुणामय है, हम भी बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में एक बाधा है और वो है पाप, जिसके माध्यम से हम प्रेमी नहीं बन सकते हैं, जिसके माध्यम से हम दयालु नहीं बन सकते हैं, जिसके माध्यम से हम करुणामय नहीं बन सकते हैं। तो आइए हम अपने पापों को देखें और अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें, ताकि आज के मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हमारी सुन, सब
से मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है, हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझे कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पास्का का दूसरा इतवार, पहला पाठ, प्रेरित चरित, अध्याय दो, पद संख्याएं 42 से 47 तक। नए विश्वासी दत्तचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सभों पर विस्मय छाया रहता था क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सभों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंदपूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन मैं मानूंगा।
दूसरा पाठ पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय एक पद संख्या 3-9 तक। पाठ का मूल सारांश है, ईश्वर ने हमारे प्रभु मसीह द्वारा अपनी महती दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास नाश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं, और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास के साथ आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की, स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम। देगा साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की, स्तुति गाए हम, गाए हम। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 20 वाक्यांश 19 से 31 तक। 8 दिन बाद यीशु आए। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद एकत्र थे, यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे,
वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय बारहों में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि हम विश्वासियों का जीवन यीशु के बिना बिल्कुल शून्य, अर्थहीन और प्रभावहीन है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन के करीब में आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। और जब हम यीशु के साथ होते हैं, हम अपने जीवन को यीशु में लगाते हैं, हमारे जीवन में रौनक आ जाता है। बाइबल में कई ऐसे घटनाएं हैं जो यीशु के बिना जीवन और यीशु के साथ जीवन के बारे में वर्णन है। आइए हम देखते हैं यीशु के बिना जीवन। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 41 से 50 के बीच में देखते हैं मरियम, यूसुफ और यीशु के बारे में। प्रथा के अनुसार मरियम, यूसुफ और यीशु मंदिर जाते हैं, कारणवश यीशु मंदिर में खो जाते हैं। और जब माता पिता को पता चलता है कि यीशु खो गए हैं, तब तक यीशु को ढूंढते हैं जब तक उन्होंने यीशु को पाया नहीं। यदि हम प्रश्न पूछेंगे, मरियम और यूसुफ ने यीशु को क्यों ढूंढा? पहली बात, यीशु उनके पुत्र। दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने उनसे प्यार किया और प्यार करते हैं। और तीसरी बात, हम मानते हैं कि यीशु के बिना उनका जीवन सुनसान और बिल्कुल खाली और खोखला रहा। दुख और संकट, भय, ये सारी चीज़ें रहा, और इसीलिए यीशु को ढूंढते हैं। हम विश्वासियों के जीवन में देखते हैं, जब हमारे जीवन से यीशु निकल जाते हैं, जब हम यीशु को छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में भी यही होता है। हम इधर उधर दौड़ने लगते हैं, यहाँ वहाँ जाने लगते हैं, अन्य लोगों से मिलने लगते हैं, विचलित होते हैं, घबराहट जीवन में महसूस करते हैं। दूसरी घटना हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 47, 48 और आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे शिष्यों और यीशु के बारे में पढ़ते हैं। शिष्य यीशु के बिना नाव पर सवार होते हुए समुद्र पार कर बैतसैदा के लिए रवाना होते हैं और बीच समुद्र में जाके उनका नाव रुक जाता है क्योंकि आंधी तूफान उठने लगा, आंधियाँ चलने लगी और विपरीत प्रतिकूल वायु बहने लगी। नतीजा क्या होता है? जिस नाव में शिष्य बैठे हुए थे वो नाव डूबने डूबने को हो जाता है। और इसी बात को देखकर यीशु समुद्र पर चलते हुए अपने शिष्यों को बताने के लिए आते हैं, किंतु शिष्य यीशु को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और प्रश्नमय होते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि ये प्रेत है, भूत है? हम विश्वासियों के जीवन में देखते हैं, जब जब हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन से निकाल दिए हैं, तब तक हम डर का महसूस, भय और घबराहट महसूस करते हैं।
जैसे शिष्यों ने किया, ठीक इसी प्रकार हर एक विश्वासियों के जीवन में होता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन से निकल जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यूहन के सुसमाचार अध्याय 20 में पढ़ते हैं, वाक्य 1 में पढ़ते हैं, मरियम मग्दलेना कब्र के पास में जाती है उदास, हताश और निराश होकर, क्योंकि यीशु उनके साथ नहीं थे। यूहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, मरियम रोते विलखते हुए कब्र के पास में जाती है। वचन में लिखा हुआ है कि रोते हुए विलखते हुए वह झुकती है और कब्र में दृष्टि को डालती है, किंतु यीशु नहीं दिखाई दिए, क्योंकि यीशु उनके साथ अब नहीं रहे। नतीजा क्या होता है? बिलखने लगी, रोने लगी। ठीक इसी प्रकार हम विश्वासियों के जीवन में होता है, हम रोते हैं, तड़पते हैं, ढूंढते हैं, दुख महसूस करते हैं जब यीशु हमारे जीवन से ओझल हो जाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यूहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, यीशु के शिष्य यहूदियों से डरे हुए थे और डर के वजह बंद कमरे में एकत्र बैठे हुए थे। यानी कि डर के कारण शिष्यगण कमरे में प्रवेश कर द्वार बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दिए। नतीजा क्या होता है? जीवन में घबराहट। नतीजा क्या होता है? जीवन में संकट और अन्य चीजें होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम विश्वासी यीशु को हमारे हृदय से निकालते हैं, हम भी डरे हुए होते हैं, हमारे सारे दरवाजों को बंद करते हैं, प्रेम के दरवाजा को, दया के दरवाजा को, करुणा के दरवाजा को और अन्य दरवाजों को बंद करते हैं और सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन यीशु प्रेरणा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं। बाइबल में दूसरी घटनाओं को देखते हैं, यानी कि यीशु के साथ जीवन, और इसके बारे में कई घटनाएं हम बाइबल में पढ़ते हैं। पहली घटना हम पढ़ते हैं आज के सुसमाचार में ही पाते हैं, शिष्यगण कमरे में बंद है, यीशु उस कमरे में प्रवेश करते हैं और अपने आप को, अपनी तथ्य को बताते हैं, देखो निशानों को दिखाते हैं, और निशानों को देखकर शिष्य विश्वास करने लगते हैं और एकाएक आनंदित उठते हैं। तो जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं मरियम के जीवन में यीशु आए, मरियम आनंद से भर गई। एलिजाबेथ के जीवन में यीशु आए मरियम के साथ, एलिजाबेथ खुशियों से भर जाती है। ठीक इसी प्रकार हर एक विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं जब यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं, हमारे मन और हृदय में निवास करते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद महसूस होने लगता है। और यीशु के शिष्यों को हम देखते हैं, जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा, पहला विश्वास किया, और उनके विश्वास को देखकर यीशु ने उन्हें फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। और एकाएक यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं और तब से पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीते हैं। और शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीकर वचन की घोषणा करने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है, हमने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया है, ये प्रचार करने लगते हैं। और उनकी वाणियों को, उनकी शिक्षा को और उनकी साक्ष्य को सुनकर विश्वासियों की संख्या बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और अंत में शिष्यगण विश्वासियों का समूह का निर्माण करते हैं। और विश्वासियों का समूह का निर्माण का आधार यीशु है और दूसरा पवित्र आत्मा है। और जैसे हम देखते हैं विश्वासियों का आधार अर्थात विश्वासियों के समूह का आधार विश्वास और पवित्र आत्मा है, उनका जीवन बदल जाता है। और जिसके बारे में पहला पाठ वर्णन करता है, पहला पाठ में बताया गया है कि विश्वासियों का समूह एक ऐसा समूह था, हम मान सकते हैं कि ईश्वर उस समूह में निवास करते हैं। समूह के हरेक लोग ईमानदारी का जीवन जीते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं, सब कुछ को साझा रखते हैं और एक मन एक हृदय के अनुसार जीवन जीते हैं। और अंत में
समूह के हरेक लोग खुशी और आनंद का महसूस करते हैं। ये गुण और ये चरित्र है जो व्यक्ति ईश्वर में जीवन जीता है और पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीते हैं। आज कलीसिया हर एक मनुष्य से, हर एक विश्वासियों से यही आह्वान करती है कि हम भी, हमारे विश्वासी और विश्वासी गण के अनुसार जीवन जिए, जो हम पहला पाठ में सुने हैं। पेत्रुस आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह में जीवन जीता है और पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है, उनके जीवन में खुश जरूर है, उनके जीवन में आनंद जरूर है, लेकिन उनके आनंद और खुशियों के साथ साथ दुख भी है। इसलिए पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 1:6 में बताते हैं, यह आप लोगों के लिए आनंद का विषय है, किंतु थोड़े समय दुख और कष्ट झेलने पड़ेंगे। आगे बताते हैं, सोना आग में तपाया तो जाता है, क्या आपका विश्वास नश्वर सोना से कहीं अधिक मूल्यवान नहीं है? जी हाँ, हमारा विश्वास नश्वर सोना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक मूल्यवान है। और हम मानते हैं, सुसमाचार के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं संत थॉमस के बारे में, वे कहते हैं कि मैं जब तक प्रभु यीशु के हाथों और शरीर में निशान ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक तरह से संत थॉमस अपना विश्वास को परीक्षा में डालते हुए पक्का करना चाहते हैं, और अंत में नतीजा होता है कि यीशु उनके पास साक्षात उपस्थित होते हैं और कहते हैं, थॉमस ये मेरे हाथ है। थॉमस रखते हैं, विश्वास करते हैं, कहते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। जी हाँ, हर एक विश्वासियों के जीवन में यही होना चाहिए कि हमारा विश्वास दुख के कारण, संकट के कारण एक परीक्षा में होता है, परख में आता है, तब हमारा विश्वास मजबूत होता है। और कलीसिया हर एक विश्वासियों को आह्वान करती है कि हम भी ऐसे ही जीवन जिए। आजकल हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बार बार शिष्यों को दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि पुनर्जीवित होने के तुरंत बाद स्वर्ग आरोहण कर सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने चाहा कि कुछ पल अपने शिष्यों के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि यीशु उनके साथ कुछ समय के लिए ओझल हो गए थे और शिष्य तितर वितर हो गए थे, और उन्हीं को एकत्र करने के लिए, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए यीशु 40 दिन तक पुनरुत्थान के बाद में इस संसार पर रहते हैं और जगह जगह पे दर्शन देकर उनका विश्वास को मजबूत करते हैं। तो आइए, जब हम आज दया का त्यौहार मनाते हैं, ईश्वरीय दया का त्यौहार मनाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें, हम विश्वासियों को ईश्वर के प्रेम और दया में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए विशेष आशीष और कृपा प्रदान करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करते हुए बोलें, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आए। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबके मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी भाई बहनों को याद करें जो कोरोना वायरस से पीड़ित है। प्रभु उन्हें अपने पवित्र हाथों से छू ले और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे, या स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, डाक्टर सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, पे पड़े तेरी छाया सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सो रोटी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर। इन्होंने तुझ पर विश्वास कर बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है, इन्हें ऐसा वर दे ये अनंत सुख प्राप्त करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब यीशु ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा जीवंत ईश्वर के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम परमेश्वर के पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और खाओ यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और पियो यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीष्ट का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्वभर में फैली अपने कलिसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएँ बने रहें तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सुंदर सा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु तेरे गीत गाऊं प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरी दया से हमने पास्का संस्कार ग्रहण किया है इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे यह कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले प्रभु की शांति आपके साथ रहे। हालेलुया हालेलुया ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।
मन में शत शत बार सांसों की मेरी सरगम न मन करे बारंबार गाता प्रभु तेरा बागों के फूलों से आकाश के पक्षियों से ज्यादा प्यार तूने दिया प्रभु सृष्टि की शोभा से तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया गाता प्रभु तेरा आभास मन मेरा शत शत बार सांसों की मेरी सरगम न मन करे बारंबार